उतार उतार छोड़ी उतार 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 नहीं छोड़ी उछाल क्या मजाक कर रहे थे डंडे पड़ेंगे तुम सबको डंडे पड़ेंगे उछाल और उछाल 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 उतार हाँ दिल खुश कर देता तुझे सच में टेंशन के मारे तो मेरी भूख ही मर गई थी अब ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे मुंह में घी और शक्कर डाल दिया हो अरे किसी ने क्या आती भाई मेहता साहब ने खुद ने आपके मुंह में घी शक्कर डाल दिया है इसी बात का छोटी एक बार और उछाल नहीं नहीं भाई नहीं हो गया ओ एक बार तो और बनता है अरे नहीं हो गया भाई थोड़ी हो गया ओ जो भी हो यारो ओ सारी टेंशन दूर होगी पीड़ू तो अब सीधे रात को आएगा और उसके बदले तो सखर हमें आप भी जाएगा यस चलो हास घीना ठम्मा घी पड़ी रियो की क्या जे ठपरा ओ ठाम 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 मतलब बर्तन सोडी मतलब घीना ठम्मा घी पड़ी रियो मतलब घी के बर्तन में घी पड़ा रहा और किसी को पता ही नहीं चला ऐसा अरे वाह मस्त गुजराती कहावत है जड़ा रहा मस्त क्या अच्छा दोस्तों मैं क्या कहता हूँ भगवान ने हम सबको इस चंगुल से बचा लिया तो उनको थैंक यू कहना तो बनता है ना थैंक यू भगवान आपने पहले थोड़ा टेंशन नहीं थोड़ा नहीं काफी ज्यादा टेंशन दे दिया लेकिन फिर आपने ही टेंशन गायब कर दिया थैंक यू भगवान थैंक यू आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने भिड़े की नजर सखाराम पे जाने ही नहीं दी बहुत बहुत धन्यवाद भगवान बहुत बहुत धन्यवाद ओ वाहेगुरु तेरा शुक्र है थैंक यू वेरी मच सच में हो रहा हम लोग तो क्या क्या सोच रहे थे कि भिड़े ऐसा करेगा तो हम वैसा करेंगे लेकिन कुछ नहीं भगवान ने एक ही सेकंड में पूरी बाजी पलट दी पलक झपकते ही टेंशन गायब सही बात है वैसे दोस्तों आज ये सब कुछ देख के मुझे अकबर बीरबल की कहानी याद आ गई कौन सी वाली अरे बहुत सिंपल और छोटी सी कहानी अकबर ने बीरबल से एक बार कहा कि भाई बीरबल दुनिया में कोई ऐसी बात है जिसे सुन के खुशी भी हो और दुख भी हो बीरबल ने कहा है बताता हूँ ऐसी कैसी है ये एक बात जिसे सुन के खुशी भी हो और दुख भी हाँ खुशी और दुख दोनों एक साथ एवे के जी अरे यही तो बीरबल निकाल के लेके आया जो आज की हमारी परिस्थितियों से बिल्कुल मेल खाता है क्या कहा था बीरबल जी ने बीरबल ने सिर्फ एक बात कही ये समय भी बीत जाएगा बस इसमें क्या खुशी और क्या गम अरे आप नहीं समझ रहे हो डॉक्टर हाथी ये जो वाक्य है ये एक वाक्य ही खुशी भी देता है और दुख भी देता है जब आप बहुत तनाव में हो बहुत परेशान हो बहुत टेंशन में हो उस वक्त सोचो ये समय भी बीत जाएगा तो आपको ये सोच के कितनी खुशी होगी कि दुख भरा समय निकल जाएगा और जिस वक्त आप बहुत खुश हो बहुत प्रसन्न हो उस वक्त ये सोचोगे ये समय भी बीत जाएगा तो सोच के कितना दुख होगा अरे ये खुशी भरा समय बीत जाएगा वाह वाह मेहता साहब बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है सही बात है शाबाश मेहता साहब लेकिन थोड़ा लेट उदाहरण दिया मेहता साहब कल रात को हम सब इतने टेंशन में थे तभी ये उदाहरण दिया होता ना तो क्या हम लोग शांति से सो सकते थे ना कि भाई ये समय भी बीत जाएगा सही बात है लेकिन चलो कोई बात नहीं अभी अच्छा समय आया है तो इसके मजे लेते हैं है? लेकिन भूलिएगा मत ये समय भी बीत जाएगा नहीं नहीं मेहता साहब नहीं बीतेगा क्योंकि भीड़े तो गया है लोना वाला वहां से वो तो अभी रात को आएगा उसके पहले उसका सखाराम दोपहर को टिप टैप होके अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा हा? तो हमारा यह समय ऐसे ही चलता रहेगा सही बात है यानी कि अब तक जो हम लोग बकरी की तरह डर डर के जी रहे थे अब शेर की तरह सीना तान के दहाड़ेंगे आती बकरी होकर फिर शेर हो गया ए दोस्तों एक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है की जे डबरा क्या कि अभी मैं इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ ना तो अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं चाहता हूँ आज का सुविचार मैं ही लिखूं हाँ लिखिए लिखिए वाह 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 ये डबरा कमाल कर देता है यार ओ
यारो, अब जब टेंशन दूरी हो गया तो पार्टी शादी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक काम करते हैं ना, चलो पद्मावती भोजनालय में जाते हैं, फुल थाली खाते। जेठा भाई, थाली तो अनलिमिटेड होगी ना? हाँ, जितना मर्जी खाओ। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। वाह, क्या बात है, आज तो सजोड़े जॉगिंग। सजोड़े मतलब कपलिंग जॉगिंग। हाँ जेठा लाल, मैं और बबीता साथ में जॉगिंग करने गए थे। वाह क्या बात है, दौड़ना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, सबको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी क्या है ना कि सबकी अपने अपने शरीर की तासीर होती है, मैं खूब चलता हूँ और फिट रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बराबर बोल रहे हैं भाती भाई। अभी अय्यर भाई का जो शरीर है वो हिसाब से तो उनको दौड़ना ही चाहिए। बराबर जडलल, मैं फिट एंड फाइन है, दौड़ने का जरूरत तुमको है। अच्छा चलो ठीक है फिर, बबीता जी कल से हम दोनों जॉगिंग करने जाएंगे। हैं ओके। जडलल, ऑन अ सेकंड थॉट, तुम वो प्राणायाम करता है ना? हाँ। तो उसमें तुमको ऐसा दौड़ने का जरूरत नहीं है, तुम फिट है। ले। और जेठा भाई तो हमेशा हंसते भी रहते हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हाँ एब्सोल्युटली, हाँ सबको हंसते रहना चाहिए हमेशा। हाँ हंसते ही रहना चाहिए, हंसते रहो इंडिया। बबीता जी, आपने वो आज का सुविचार पढ़ा कि नहीं? नहीं, क्यों, कुछ स्पेशल है क्या? अरे ये आज मैंने लिखा है। तभी हैंडराइटिंग इतना खराब है। अभी अक्सर छोड़ा नहीं यार भाई, और सुविचार के पीछे जो मेरा विचार है उसको ग्रहण करो आप। अच्छा जेठानंद, मेरा विचार इस सुविचार के पीछे तुम्हारा विचार है? अभी मेहता साहब, आप भी एक अय्यर भाई बोल रहे, अक्सर खराब है आप बोल रहे हैं साहब। अरे छोड़ो ना वो सब, मेन क्या है, जो सुविचार है वो क्या कहना चाहता है उस पे ध्यान दो। सही ठीक बात है, कोई बात नहीं। ये समय भी बीत जाएगा। डीप हाँ? बिल्कुल, इसका मतलब आप समझे ना बबीता जी, क्या है कि समय जो है वो इंसान के लिए बहुत महत्व रखता है। फिर इंसान का समय अच्छा हो बुरा हो कैसा भी चल रहा हो, लेकिन इंसान को ये वाक्य हमेशा याद रखना चाहिए, ये समय भी बीत जाएगा। इससे क्या होता है कि एक मिनट छोड़िए। ओके जी। इससे क्या कह रहा था मैं, ये समय भी बीत जाएगा। हाँ बाबू जी, अब आप कब आए? उस समय जिस समय तू समय पे प्रवचन दे रहा था। क्या भाई, अभी थोड़े समय पहले तो तू घर पे कह रहा था कि तेरे पास बिल्कुल समय नहीं, जल्दी जाना है जल्दी जाना है, दुकान पे माल आने वाला है, चाय नाश्ता करने का भी समय नहीं है बाबू जी, और यहाँ पे खड़े खड़े समय पे प्रवचन दे, ये समय भी बीत जाएगा। अरे कब का बीत गया तेरा समय, जा दुकान जा। नहीं अभी जरूरत नहीं है बापू जी। क्यों, माल नहीं आने वाला है? हाँ वो क्या है, मैं दुकान के लिए जा ही रहा था कि इतने में वो ट्रक ड्राइवर का फोन आ गया। वो क्या है कि वो पहले हमारी दुकान पे माल डिलीवरी करके कल कहीं और जाने वाला था माल डिलीवरी करने के लिए, लेकिन जिस रास्ते से वो आ रहा था उधर इतना ट्रैफिक जाम था तो उसने दूसरा रास्ता ले लिया। तो फिर उसने फोन किया कि अभी कल मैं जहाँ जाने वाला था वहाँ आज जाके आता हूँ और आपके यहाँ मैं कल आऊंगा, ऐसा। और फिर सब मिल गए तो दो मिनट जरा बात करने के लिए रुक गया यहाँ पे। रोशन तुम ना भी रही अच्छे, टूटू घर पे मुझे बोल रहा था कि मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया, मुझे गैराज में गनु बड्डू काम छे। हाँ हंस, तुम्हें तो पेशेंट को चेक करने जाना था ना, क्या हुआ? रोशन डार्लिंग, वो गड्डी जो गैराज में ठीक होने के लिए आने वाली थी ना, वो गड्डी आई नहीं, इसलिए मैं गया ही नहीं। ओ
कोमल, मैं जिस पेशेंट को देखने जाने वाला था ना, उसके घर वालों का फोन आया था कि उसकी तबीयत अभी ठीक है, मुझे विजिट पे जाने की जरूरत नहीं है। चलो कमाल है, तुम तीनों का जाना एक साथ कैंसिल हो गया। देखिया कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं बाप, अरे ओ अय्यर भाई, नहीं बापू जी कोई इसमें गड़बड़ क्या, ये तो महज एक कॉन्फिडेंस हो गया है। क्या हो गया? कोइंसिडेंस चाचा जी, जेठालाल कह रहा है कोइंसिडेंस, संयोग है। हाँ वो संयोग संयोग हो गया। वैसे आज भिंडी मास्टर ने सुविचार अच्छा लिखा है। नहीं नहीं चाचा जी, सुविचार तो जेठालाल ने लिखा है। क्या सुविचार तूने क्यों लिखा? ये तो भिंडी मास्टर का काम है। नहीं बराबर है, लेकिन वो मैं तो सब बता रहे थे कि आज अचानक वो भिड़े है क्या अपने परिवार के साथ, सुबह सुबह वो लोनावाला के लिए घूमने निकल गया। तो मुझे लगता है उत्साह में वो सुविचार लिखना भूल गया। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ, उसमें क्या। अरे वाह, अरे वाह जीजा, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही एक दूसरे को मदद करते रहना चाहिए। मैं मंदिर जाकर जी। ओके बाबू। हाँ बाय। चलो हम लोग भी चलते। अरे अरे एक मिनट, क्या चलते हैं बबीता जी? मैं क्या कहता हूँ, आप तो वैसे भी छुट्टी का दिन है तो सब मिलके कुछ प्लान बनाते हैं ना, है? क्या कहते हैं मेहता साहब? हाँ क्यों नहीं, अरे भाई आज तो सब फ्री है तो प्रोग्राम बन सकता है। घर में मुझे टेंशन है करके मुझे टेंशन में डाल दिया, और यहाँ आप सबको कह रहे हैं कि मैं तो फ्री हूँ, क्यों? अरे तो फ्री हुआ ना, तुम्हारे लिए फ्री हुआ अंजलि, तुम्हारे लिए। भाई बहुत टेंशन था आज सुबह से, इतना टेंशन था आर्टिकल का, डॉक्टर आती क्या बताऊं, कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा था। हाँ समझ भी नहीं आता, थोड़ी कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। हाँ हाँ अरे परेशान हो गया मैं जेठालाल, लेकिन फिर मैंने मैनेज किया, मैंने उनको बोला फोन पे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट कर लो, ये फाइनल है, क्योंकि अब मैं इससे ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा और आज का दिन मैं अपनी वाइफ के साथ बिताऊंगा। सच्ची? अरे हाँ भाई बिल्कुल सच, तुम्हारे लिए। हाँ, मेरे लिए? हाँ हाँ। अच्छा एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ, देखो आज हम सब जेंट्स को तो छुट्टी है, है? तो आप सब लेडीज लोग भी आज खाना बनाने से छुट्टी ले लो। तो क्या मेरी तरफ से आज हम सब जाते हैं राजभोग महाथाली खाने, है? राजभोग महाथाली? अरे जेठा भाई उसमें तो खाने की बहुत सारी आइटम होगी। अरे बहुत सारी मतलब ढेर सारी, उसमें देखो क्या है, वो मसाला पूरी, भाकरी, फुलका, रोटी, तीन तरह की सब्जी, दाल, कढ़ी, भजिया, ढोकड़ा, अचार, पापड़, और स्वीट में रत्नागिरी हफूस का आमरस ठंडा ठंडा। वाह जेठा भाई वाह, इतनी सारी डिशों का नाम आपके मुंह से सुन के इतना मजा आ गया, जब मैं इसको खाऊंगा तो कितना मजा आएगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। That sounds like a good plan, huh? I'm in. अरे ऐसा क्या कर रहे हो बबीता जी, चलिए ना। जेठालाल बबीता हाँ कह रही है, ना नहीं बोल रही है। पता है, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा बोला आपके लिए, मुझे पता था आप मुझे समझाएंगे। कैसा उल्लू बनाया है? चलो चलो, तो आज अभी हम सब रस पूरी और ढोकड़ा की जया फत उड़ाने जाते हैं। सुबह अच्छे जेठा भाई, आज आप बहुत खुश खुश लग रहे हैं। अरे रोशन भाभी मैं तो हमेशा खुश ही रहता हूँ, और आज तो खास हमारी सोसाइटी के एक मवे सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी ने हमें कितनी बढ़िया प्रेरणा दी है कि भाई छुट्टी के दिन सबको कल्पम शरी मौज मजा करनी ही चाहिए। ओ हाँ जी, ओ जैसे अपना पिड़ू लोना वाला जागे एंजॉय कर रहा है, वैसे हम सब रस परी एंजॉय करेंगे। हेलो, अभी खाने के लिए कब चलना है? अभी चलते हैं। आत्माराम गुड मॉर्निंग। अरे अय्यर भाई को देखो,
भीड़ यह है नहीं, फिर भी उसकी बालकनी की ओर देख के बोल रहा है, गुड मॉर्निंग आत्माराम। ये अय्यर का भीड़े के लिए असीम प्यार बोल रहा है। अय्यर ब्रा, ओ पिड़ू तो लोनावाला गया है और वहां पहुंच के वो बहुत मजे करने वाला है। डॉक्टर आदि, आत्माराम लोनावाला मजे करने गया है तो फिर वो बालकनी में खड़ा है, वो कौन है? अरे गुड मॉर्निंग मंडली, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये सपना नहीं, हकीकत है। मैं सकरम का है। हाय हाय, सकरम का है। अरे सकरम गायब हो गया। इस सकरम को तो हमने देखा ही नहीं। हाँ, बाटो बाटो में तो हमारा ध्यान ही नहीं गया। मैं तो खुद कुछ नहीं समझ पा रहा। मुझे अंजलि ने बोला कि भाई भिड़े परिवार लोनावाला जा रहा है। मैंने बाहर आके खुद देखा अपनी आंखों से गाड़ी जाते हुए, जिसमें माधवी भाभी और सोनू बैठे हुए थे। भिड़े भी थे अंदर। लाल, अगर माधवी अभी और सोनू वहां बैठे हैं तो मैंने सोचा भिड़े तो साथ ही बैठा होगा ना। अरे सोचा सोच, आपके एक अंदाजे ने आज हमें शेर के मुंह में लाके रख दिया, अब क्या करें? चलो यारो, निकलते हैं। सही बात है। अरे क्या सही बात है डॉक्टर आती, या सखाराम गायब हुआ है? ऐसे में अगर आप तीनों अचानक गायब हो जाएंगे तो सबसे पहला शक आप तीनों पे आएगा। तो क्या करें अभी, अभी क्या करें? क्या देखो, नॉर्मल रहने की कोशिश करो, क्योंकि मुश्किल है मैं जानता हूँ, लेकिन नॉर्मल रहने की कोशिश करो। ऐसे जताओ जैसे हमें कुछ नहीं पता है। और बीरबल को याद करो। कौन बीरबल? अकबर वाला बीरबल भाई। कौन से अखबार वाला? अरे अखबार वाला नहीं, अकबर वाला। अरे तो उसको अभी क्यों याद करें? अरे अकबर को याद नहीं करना है, बीरबल को याद करना है। अरे मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसको अभी क्यों याद करें? अरे बीरबल नहीं, बीरबल की बात याद करनी है। कौन सी वाली? ये समय में बीत जाएगा। अरे मेरा सकरम कहाँ गया? अरे ये सकरम इधर ही था, कहाँ गायब हो गया सकरम? मेरी जेठा भाई की सीढ़ी के पीछे क्यों नहीं रख दिया? नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं है। हाँ बोल टप्पू। गोली गोगी जिसका डरता वही हुआ। हाँ यार, बेटे अंकल कितने गुस्से में, मैंने तो बहुत डर लग रहा है। डर छोड़ यार गोगी, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। हमारी वजह से, सिर्फ हमारी वजह से हमारे पेरेंट्स और बीड़ अंकल कितने परेशान हैं। हाँ गोली, लेकिन अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सारी गलती हमारी है, और हमारे पापा ने किसी से कुछ बताने से मना भी किया है, और घर से बाहर निकलने के लिए भी मना किया है। फ्रेंड्स, अब हम अपने पापा पे भरोसा रखते हैं और उन्होंने जैसा कहा है वैसा ही करते हैं। कोई घर से बाहर मत निकलना। हाँ पता नहीं आगे क्या होगा। भगवान पे भरोसा रखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि सब ठीक हो जाए। चलो रखता हूँ। ओके बाय। रत्ता साहब अब क्या करें, कुछ आइडिया दो। आइडिया दो जेठा लाल, मेरे ख्याल से अब जब तक स्कूटर गैराज से वापस नहीं आ जाता, मतलब 2 बजे तक हमें ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा। चलो चलो। अरे आत्मराम, आत्मराम मेरी बात सुनो। आत्मराम मेहता साहब, हमारा ये अच्छा समय तो बहुत जल्दी बीत गया। मैंने तो बोला था जेठालाल, पर चिंता मत करो,
ये समय भी बीत जाएगा। जिसका डर था वही होगा। जिस परिस्थिति को मैं, जेठालाल, सोजी और डॉक्टर हाथी टालने की कोशिश कर रहे थे, वही परिस्थिति आंखों के आगे आ खड़ी हुई। भिड़े नाम का शेर उठ गया और उसने सखाराम के लिए भाग दौड़ शुरू कर दिए। गोकुलधाम सोसाइटी में महायुद्ध का शंखनाद हो चुका है, हंगामा मचा हुआ है यहाँ। और भिड़े को, जैसा कि आप जानते हैं, जब तक सखाराम मिल नहीं जाता, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। चुपचाप नहीं बैठेगा वो, तो क्या करेंगे हम? किसी भी तरह भिड़े को संभालना तो होगा, लेकिन कैसे संभालेंगे हम? पहले तो हमारे पास एक आइडिया था, प्लान था, लेकिन अब तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन संभालना तो पड़ेगा, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से भिड़े को संभालना पड़ेगा, जब तक कि स्कूटर रिपेयर होकर वापस न आ जाए गोकुलधाम सोसाइटी में। लेकिन क्या करेंगे, एक तरफ मैं हूँ, डॉक्टर हाथी है, सोढ़ी और जेठालाल है जिन्हें सब कुछ पता है, दूसरी ओर खूंखार भिड़े और गोकुलधाम सोसाइटी के निवासी जिन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, भिड़े को संभालना पड़ेगा, लेकिन कैसे संभालेगा? मैं चाहता हूँ संभालने के लिए। आपके पास कोई आइडिया है? प्लीज बताइए ना, उसे संभालना। खैर, जिस तरह भी संभाले हम लोग, होगा ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हाँ, हंसते रहिए। अब्दुल, अब्दुल, तुमने सकरम को देखा? मतलब? अरे मतलब सकरम जगह पे नहीं है, गायब हो गया है कंपाउंड में से, कोई उसे लेकर गया है। कौन लेके गया? मुझे नहीं मालूम अब्दुल, तुमने किसी को सकरम को यहाँ से लेकर जाते हुए देखा? नहीं। लेकिन भिड़े भाई, आप तो रात भर जागने वाले थे सकरम पे नजर रखने के लिए। अरे नहीं जाग पाया अब्दुल, नहीं जाग पाया, उसी का फायदा उठाया उसने। तेरा सकरम शायद पीछे की तरफ होगा, वहां देखता हूँ। सकरम! अरे भिड़े भाई, बेचारे भिड़े भाई कितने दुखी हो गए हैं। पर ऐसे कैसे सकरम गायब हो सकता है? आप लोग प्लीज कुछ कीजिए ना, मुझे तो भिड़े भाई की हालत देख के बहुत टेंशन हो रहा है। नहीं नहीं, टेंशन मत लीजिए बबीता जी, मिल जाएगा सकरम, यही कहीं होगा। अपन सबको मिलकर सकरम को ढूंढना तो पड़ेगा बाबा। वो ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमको तो पता है। पता है? सोढ़ी भाई, पता है? क्या 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 पता है सोढ़ी? यही पता है कि सकरम खो गया है, यही तो पता है। हाँ, ये पता है। हाँ। मेरा सकरम कहीं भी नहीं है, पीछे की तरफ भी नहीं है, मेरा सकरम गायब हो गया है। कुड़े गया सकरम मजा, कुड़े गया सकरम। पिड़ू शांति रखो यार। अरे क्या शांति रखो, अभी भी शांति रखो सुड़ी, अभी भी शांति रखो। मैंने कल ही सबको बताया था कि परसों रात को मेरे सकरम को कोई लेकर गया था, बताया था कि नहीं बताया था? कहा था कि नहीं कहा था मैंने? कहा तो था भिड़े मास्टर। सकरम के किलोमीटर का आंकड़ा बढ़ गया है, पेट्रोल कम हुआ है, ये भी कहा था कि नहीं कहा था? ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी मैंने? नहीं नहीं, बात तो बताई थी भिड़े, लेकिन लेकिन क्या मेहता साहब, लेकिन क्या? आप सबको मैंने बोला था, लेकिन आप सबने मेरा मजाक उड़ाया। मेरी बात को सीरियसली अगर लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती ना। और जेठालाल, तुमने क्या बोला था? ये मेरा भ्रम है, भ्रम, मुझे सपना आया होगा। सॉरी भिड़े, लेकिन कल मुझे सचमुच ऐसा लग रहा था कि ये तेरा भ्रम है, क्योंकि चालू सोसाइटी में से कोई सखरम को कैसे ले जा सकता है? चालू सोसाइटी? चालू मतलब सोसाइटी हमारी बंद नहीं है ना, मतलब जीवती जागती है, जहाँ लोग रहते हैं। ऐसी सोसाइटी में से कोई सखरम को कैसे ले जा सकता है? अरे लेके जा सकता है कि जेठाला लेकर गया है, देखो सखरम जगह पे नहीं है, सखरम गायब हो गया है। लेकिन भिड़े भाई, ऐसे कैसे कोई अपने सखरम को सोसाइटी में से लेकर जा सकता है? मुझे लगता है जो भी हुआ है वो रात को हुआ है।
अर्धी रात को ही कुछ सखाराम को ले गया है। हाँ, पर ऐसा कौन कर सकता है? कब आया होगा, कब गया होगा, किसी का तो ध्यान गया होगा ना? सॉरी मेरे दोस्त, अब कहाँ गया तेरा जोश, कहाँ गया तेरा जज्बा? तू ही तो कहता है ना कि अपनी गोकुलधाम सोसाइटी सबसे बेस्ट है। हमारी मर्जी के बगैर हमारे सोसाइटी में से कोई एक कंकर नहीं हिला सकता। आज इसी सोसाइटी में से सखाराम गायब हो गया है और तू चुपचाप खड़ा है। बोल सोनी, बोल बोल। की बोलूं की करूं? पिड़ू सच कहूं तो सोडी नहीं, सोडी यारो मैनू बताने दो। सोडी मेरे ख्याल से सखाराम फंस गए क्या कुछ भी बोल रहे हो आप लोग? सखाराम को सोसाइटी में से टो कोई कैसे कर सकता है? छोटी समझा। हाँ जेठा ब्रो, और टो करने के लिए ना एक स्पेशल व्हीकल होता है, उसके अंदर एक हुक लगा होता है, वो हुक से गड्डी को जोड़ देते हैं और फिर टो करके ले जाते हैं। अरे देख कर रहे पापा, लेकिन कोई क्यों करेगा सखाराम को टो? ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ भी कर सकते हैं जी, वो कहीं से कुछ भी टो करके ले जा सकते हैं जी। रोशन ऐसे सोसाइटी से भी टो करके ले जा सकते हैं? वो रोशन डार्लिंग, इसलिए तो मैं अपनी जीप सोसाइटी कंपाउंड में पार्क नहीं करता हूँ। वेरी गुड। एक मिनट सोडी भाई, ये अपनी सोसाइटी है, आम रास्ता थोड़ी ना है। टोइंग वाले ऐसे ही थोड़ी कोई गाड़ी टो करके लेके जा सकते हैं। नहीं तो क्या? हाँ, और ये हमारी सोसाइटी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी से इस तरह से कोई टो करके ले नहीं जा सकते, इट्स इलीगल। नहीं नहीं बराबर, बबीता जी बराबर बोल रहे हैं सोडी। इधर से तो स्कूटर टो करके नहीं ले जा सकते, टोका रहने दे। ओके जी। मैं क्या कहता हूँ भिड़े? तुम तो कुछ बोलो ही मत जेठालाल। जब मैंने बोला था कि मेरे सखाराम को कोई लेकर गया था, तो तुमने क्या बोला था? क्या बोला था तुमने? क्या कहा था? खड़े खड़े सखाराम को कंटाला आ गया होगा, इसलिए वो घूमने चला गया होगा। तो आज कहाँ गया घूमने सखाराम? चौपाटी गेट ऑफ इंडिया, बोलो ना कहाँ गया घूमने? ऐसे मजाक मत कर भिड़े, मैं जो कह रहा था बराबर सोच समझ के कह रहा था। भाई आज के जमाने में विज्ञान ने कितनी तरक्की की है, उधर फॉरेन में तो नहीं अब बिना ड्राइवर के गाड़ियां निकली है जो अपने आप चलती है, वो पार्किंग भी अपने आप कर देती है, और गाड़ी का मालिक बाजू में बैठा होता है ऐसे अखबार पढ़ते हुए। अरे क्या कुछ भी बोल रही है। अरे कुछ भी क्या भिड़े, वो इंग्लिश पिक्चर नहीं आई थी और ट्रांसमोटर, उसमें वो गाड़ी अपने आप खड़ी हो जाती है और आदमी जैसा रोबोट बन जाती है, मारामारी करती है फिर वापस गाड़ी बन के निकल जाती है। तो ऐसे तेरे सखाराम के साथ सोसाइटी में एक ही आदमी है जो ऐसा कर सकता है। यार भाई आए सखाराम, कहाँ छुपा कर रखा है? सखाराम के मालिक के परवानगी के बगैर छुप छुप के उसके ऊपर प्रयोग करते हैं, रोज रात को लेबोरेटरी में लेके जाते हैं, तो रोज तो सुबह लेके छोड़ देते हैं, आज क्यों नहीं लाए? क्या हो गया उसके साथ? क्या वो पूरी तरह टूट फूट गया है इसलिए गैरेज में रिपेयरिंग करने के लिए रखा है? बोलिए कब से चल रहा है ये गोरख धंधा? क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? अब्दुल ये ऐसा क्यों देखता है मेरे को?
देखो आत्माराम, तुम ये जेठ वाला की बात में नहीं आना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं जानता हूँ भाई अय्यर। अच्छा चलो, आपने अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो फिर तो एक ही चीज हो सकती है भिड़े तेरे सखाराम के साथ। क्या? मुझे लगता है कि कोई आत्मा उसके अंदर घुस गई है और वो उसे यहाँ से लेके गई। वो पण काय छे रोशन? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जयदलाल, तुम कुछ भी बोलता है। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अरे क्या ऐसा थोड़ी होता है, वो एक हिंदी पिक्चर नहीं आई थी, तो उसका नाम भूल रहा हूँ, जिसमें वो गाड़ी वो अपनी हेडलाइट आंखों की जैसे ऐसे पटपटाती है, फिर उसके अंदर वो हीरो की आत्मा घुस जाती है, फिर तो वो जोरदार ऐसे बदला लेती है, तो एंड में सब विलन को मार डालती है। जयदलाल, जो तुम बोलता है ना कि वो स्कूटर में आत्मा आ गया होगा, वो पॉसिबल नहीं है। अभी आत्मा राम का स्कूटर है तो क्या उसमें आत्मा आ जाएगा? ना ना, इल्ले इल्ले, ना ना ना। अरे यार भाई, दुनिया में ऐसे कई सवाल है जिसके हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है। जयदलाल, साइंस के पास हर सवाल का जवाब है। अच्छा तो बताओ, पहले मुर्गी आई कि अंडा? अरे काय चाललंय बोलो बोलो बोलो, आपके शायन के पास तो हर सवाल का जवाब है ना, तो बोलो। देखो जयदलाल, ये तुम्हारे सवाल का कोई मतलब नहीं है। अरे क्यों, मतलब क्यों नहीं है? दोनों का अस्तित्व तो है ही ना, अंडा भी है मुर्गी भी है, तो फिर आपके पास जवाब नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्या बात हुई? भिड़े मेरी बात मान, तेरे सखाराम में जरूर कोई आत्मा घुस गई है, वो निकल जाएगी तो सखाराम अपने आप यहाँ आ जाएगा। अरे बस जेठालाल बस, अरे क्या कुछ भी बोले जा रहे हो, कब से कौन से एग्जांपल दे रहे हो, इस पिक्चर में ऐसा हुआ, उस पिक्चर में वैसा हुआ। मेहता साहब आप समझाइए, ऐसे क्या उठपटांग बातें कर रहे कब से ये? नहीं वो ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रहा है भिड़े, वो जेठालाल तो है, वो सखाराम कहाँ जा सकता है, ये संभावना है बता रहा है ना जेठालाल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आखिर सखाराम मेरा भी तो भतीजा है। हाँ, और ये जो संभावना है, ये सखाराम से उसके प्यार का नतीजा है। तो हाँ तो समझाइए चाचा जी को, संभावना ऐसी बताए जो हो सके, बिना सर पैर वाली बात ना करे। क्या पे मेरा सखाराम गायब हुआ है, सखाराम मिलने आए से मजा सूझ रहा है? मास्टर देखो, इतना गुस्सा करोगे तो तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। हाँ भिड़े भाई शांत हो जाइए, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो भिड़े मास्टर, ऐसे कठिन समय में इंसान को अपने आप को संभालना चाहिए, वरना मानसिक संतुलन हिल सकता है। हाथी भाई बहुत फास्ट फास्ट बोल रहे हैं आप, आराम से धीरे धीरे बोलिए, बहुत टाइम है हमारे पास, बोलिए। अरे ये जो बोलना था वो तो बोल दिया। अरे हाथी भाई, और क्या क्या बीमारियां हो सकती है बताइए ना, क्या क्या हो सकता है? सारी बीमारियों की जड़ तनाव है, क्योंकि स्ट्रेस से। हाथी भाई मैं शांत हो गया हूँ, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। हाँ भाई भिड़े, देख तू शांत हो जा, थोड़ा सबर कर, मेरा मन कहता है कि सखाराम अपने आप सोसाइटी में आ जाएगा। एक मिनट, हो सकता है कि सखाराम को गायब करके कोई भिड़े भाई के साथ मजाक कर रहा हो। सही सही कह रहे हैं बबीता जी आप, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बात की आपने, ऐसा ही होगा, किसी ने भिड़े के साथ मजाक ही किया होगा। नहीं नहीं जेठा भाई, ऐसा मजाक कौन कर सकता है, और ऐसा मजाक कोई क्यों करेगा? मुझे मजाक तो मजाक ही होता है, है जेठा ब्रो? हाँ। रोशन ऐसा मजाक करेगा कौन? यहाँ से मुझे एक स्टोरी कवर करने भी जाना है, शायद कल दोपहर तक आ जाऊँ। सच कहूँ तो आज की तारीख में ऐसा मजाक तो सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। कौन बोलो जेठालाल, कौन? कौन? पोपटलाल।
हाँ, जेठालाल हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। पोपट लाल नहीं किया है ये, पोपट लाल ही स्कूटर लेके गया है, मतलब सकाराम लेके गया है। सही बात है, पोपट लाल ही लेके गया होगा सकाराम को। अरे लेकिन हाथी भाई, पोपट लाल बिना मुझे पूछे सकाराम को हाथ क्यों लगाएगा? अरे बबीता जी ने बोला ना, मजाक मजाक करने के लिए। मजाक बबीता ने बोला वो बराबर है, लेकिन जेठालाल तुम्हारे पास में इसका क्या सबूत है कि पोपट लाल ही सकाराम को लेकर गया है? अभी अय्यर भाई तो अभी साइंटिस्ट के बदले अभी वकील हो गए, सबूत मांग रहे मैं तो सब। अरे क्या कर रहे हो यार अय्यर? हाँ अय्यर भाई, आप एक पैर हो, या तो साइंटिस्ट गिरी करो या वकील गिरी करो, ऐसा दोनों बाजू ऐसा पैर मत रखो। जेठालाल मैंने क्या वकीलगिरी किया? मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है। हाँ तो सबूत कौन मांगता है मेहता साहब, वकील ही मांगता है ना। और कौन मांगता है, वकील ही मांगता है। देखो मेहता साहब भी बोल रहे हैं। मेहता साहब या जज है जो तुम हर बात उनसे पूछते हो? नहीं नहीं अय्यर भाई, मैं जज नहीं हूँ, मैं अपने व्यवसाय में बिल्कुल स्पष्ट हूँ। मैं आपकी तरह कंफ्यूज नहीं हूँ कि साइंटिस्ट है या वकील है। मैंने कब बोला कि मैं वकील है? ये तो जेठालाल बोल रहा है। अब आप सबूत मांगेंगे तो मैं तो बोलूंगा ही ना। हाँ, अरे पोपटलाल सकाराम को लेकर नहीं गया है भाई, वो ऐसा मजाक कर ही नहीं सकता। ठीक है भिड़े मास्टर, कि माना पोपटलाल ने मजाक नहीं किया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रात को उसको अर्जेंट प्रेस जाना हो और वो लेके गया हो। हाँ हाँ हो सकता है। अरे यही हुआ होगा, और भिड़े आधी रात को तुम्हें नींद से जगा के वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता होगा, इसलिए चुपचाप स्कूटर ले गया होगा। हाँ, बराबर हाँ, बराबर है। हिले, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता भाई? जब हाथी भाई बोल रहे, मेहता साहब बोल रहे, छोटी भाई बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, सोसाइटी का पूरा मोवड़ी मंडल बोल रहा है, तो हम सब गलत और आप अकेला सही। हा? ये क्या बात हुई? लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि पोपटलाल ने सकाराम को बिना जाबिते कैसे चालू किया? उंगली से? ए ए ए यार भाई, क्या बोल रहे हैं आप यार? अरे उंगली से कोई कैसे स्कूटर चालू कर सकता है? एग्जैक्टली, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि पोपटलाल बिना चाबी के सकाराम को लेकर कैसे गया? डुप्लीकेट चाबी से। पोपटलाल ने डुप्लीकेट चाबी बना कर रखी होगी। बिल्कुल सही कहा जेठा ब्रा। क्या पोपटलाल ने सकाराम की डुप्लीकेट चाबी बनवाई है? हाँ, अरे बच्चे बनवा सकते तो क्या पोपटलाल नहीं बनवा सकता? क्या बोल रहे हो जेठालाल? क्या क्या बोला है जेठालाल भाई? वाह, क्या क्या पॉइंट निकाल के लेके आए हो कि ये जो डुप्लीकेट चाबी बनवा रहे ना भिड़ा, आजकल आजकल ये बच्चों का काम है, बच्चे बच्चे बनवा लेते हैं। और पोपटलाल तो तेरा मतलब वो कभी कभी क्राइम रिपोर्टिंग करता है ना, तो उसको तो ये सब चीज पता ही होंगी। बराबर है, और इस तरह की रिपोर्टिंग करते करते हो सकता है उसका दिमाग उस तरफ थोड़ा झुक गया हो। हाँ सही बात है, वो बुड़बकी लेके गया है सकाराम को। अरे बहुत मजाक बना लिया पप्पू ने, ओ हमने उसको अपने परिवार का सदस्य बना के रखा हुआ है, इतना उसको प्यार दिखाते और वो सर पे ही चढ़ी जा रहा। आंदे इस पप्पू नो पिड़ू अनु ते मैं छोड़ जानी। नहीं नहीं स्टोरी, तू पोपटलाल को हाथ भी नहीं लगेगा। पोपटलाल को मैं नहीं छोड़ूंगा, आने दो उसे, उसकी इतनी हिम्मत। एक बार पोपटलाल को फोन करके कंफर्म कर लो कि वो सकाराम को लेकर गया है कि नहीं। लेकिन मेरा फोन तो घर पे है। मैं देता हूँ, रुको। अय्यर भाई रुक जाओ। क्या हुआ? आप फोन नहीं लगाएंगे? क्यों? अरे आप उसको ठीक से डांट नहीं पाएंगे अय्यर भाई, है ना मेहता साहब?
हाँ हाँ बिल्कुल जेठालाल हाँ। अरे ये आप दोनों तो सी विंग के विंग बंधु है ना, तो कैसे डांटेंगे, प्यार जाग जाएगा आपका। हाँ इसलिए मैं उसको अभी फोन लगाता हूँ और ऐसी खरी खोटी सुनाता हूँ कि वो जहाँ भी होगा वहाँ से सीधा गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाएगा। और भिड़े एक बार इधर आ जाए ना उसको जोर से दबोच लेना, उसको कुछ बोलने मत देना। हाँ। फिर हम लोग हम देख लेंगे। हाँ, बिल्कुल देख लेंगे, पिड़ो चिंता ना कर। किसे फोन लगाऊं? अरे हाँ भिड़े का फोन तो घर पे ही है, उसके फोन पे फोन लगाता हूँ। अरे उठा फोन उठा। अरे घंटी बज रही है, फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं से अंदाजा तो नहीं आ गया हम उसे क्यों फोन कर रहे? अरे अय्यर भाई ने उसको मैसेज करके बता दिया। क्या यार अय्यर, अय्यर भाई एक मिनट रहता है, उसका मतलब ये है कि आप मैसेज आप समझ तो यार। एक मिनट मैंने कोई मैसेज नहीं किया है, ये लो मेरा फोन देख लो, ये जेठालाल कुछ भी बोलता है। अरे तो फिर वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे स्कूटर चला रहा होगा ना जेठालाल, फोन कैसे उठाएगा स्कूटर चलाते हुए? बराबर हाँ एकदम बराबर, स्कूटर चला रहा होगा। वाह वो बराबर है, हेलमेट है, हेलमेट है। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना, ये बात समझ में आ गई है कि पोपटलाल ही स्कूटर लेके गया है, इसलिए बिल्कुल चिंता छोड़ दो, तुम्हारा स्कूटर सही सलामत है, जैसे ही पोपटलाल सोसाइटी में आएगा स्कूटर भी आ जाएगा। सही बात है, ओ वैसे भी पोपो दोपहर तक तो आने ही वाला है। हाँ छोटे तुझे पता है पोपटलाल दोपहर तक आ रहा है? कंफर्म तो नहीं पता है जेठा ब्रो, सॉरी। वो क्या है ना, सुबह बीत चुकी है, दोपहर आने वाली है, अब आएगा तो दोपहर को ही आएगा ना, फिर दोपहर बीत जाएगी, शाम आ जाएगी। वो कहते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बस बस छोटी बराबर बस। पर पिड़ू एक गल का ध्यान रखी, जैसे ही पप्पू आएगा ना असी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ आने दे, आज उसकी खैर नहीं है, हर बार उसे माफ कर देता हूँ, ये सोच के बेचारा अकेला है, शादी नहीं हुई है, लेकिन आज नहीं, आज मैं उसे माफ नहीं करूंगा, साफ करूंगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से सारा दोष हमने पोपटलाल के सर मढ़ दिया, भिड़े के दिल दिमाग में बात बिठा दी है कि गलती पोपटलाल की है, सखाराम के गायब होने के पीछे कोई और नहीं पोपटलाल ही है, पोपटलाल ने मजाक किया है, दोषी पोपटलाल है। पर आपको क्या लगता है, क्या हमने ठीक किया? लेकिन इंसानी फितरत यही है, जब हम सच नहीं बोल पाते, सच का सामना नहीं कर पाते, तो हम गलती दूसरों के सर पे मढ़ देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं जब किसी की ओर उंगली उठाते हैं हम, तो एक उंगली उसकी ओर होती है लेकिन बाकी उंगलियां हमारी होती है। इस वक्त मैं जेठालाल सोढ़ी और डॉक्टर हाथी ये सोच रहे हैं कि भिड़े के दिमाग में सखाराम को लेकर जो चिंता है उस पर ब्रेक लग गया, लेकिन ये गोकुलधाम है होगा बिल्कुल उल्टा, परिस्थिति का एक्सीलरेटर ऐसा दबेगा कि बात किसी और ही मोड़ पर पहुंच जाएगी। गोकुलधाम में कब परिस्थिति बेकाबू हो जाए कोई नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं मैं इस वक्त क्या जो भी होगा होगा ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। आने दे आज उसकी खैर नहीं है। अरे उसकी छतरी को कोई गलती से भी अगर गिरा दे तो वो लाल पीला नीला हो जाता है। अरे जेठालाल गिराना तो बहुत दूर की बात है, छतरी के बारे में कुछ बोल दो तो झगड़ा करने में उतारू हो जाता है। उसको अपनी छतरी जितनी प्यारी है उससे कई ज्यादा या भिड़े को अपना सखाराम प्यारा है। अरे बेटा मानता है वो सखाराम को। सही बात है भाई। आई ठीक बात नटी हाँ, पोपट भाई ने बहुत खराब काम करियो हाँ। ऐसा बिना बताए सखाराम को थोड़ी लेकर जाना चाहिए था। ऐसा मजाक भी कोई करता है, मजाक की भी हद होती है। और क्या? वेरी बैड हाँ, पोपट भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पोपटलाल तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ, श्राप, अगले और 5 साल तक तुम्हारी शादी नहीं होगी।
इस सोसाइटी में या तो वो नहीं या मैं क्यों? मैं तो रहूंगा इस सोसाइटी में, तुम नहीं रहोगे। आजा पोपटलाल, आजा, मैं इधर ही बैठा हूँ, आजा। मैं इधर ही खड़ा हूँ। अरे बाप रे, आज बड़े भाई ने पोपट भाई के सामने जंग छेड़ दी है, पता नहीं क्या होगा। मैं क्या कहता हूँ, यहाँ धूप बहुत है, बहुत गर्म भी है, तो आप भिड़े को जरा घर में ले जाइए ना। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ, अरे भिड़े भाई, बहुत धूप है यहाँ, बहुत गर्मी है, क्यों परेशान हो रहे हो भाई, अंदर चलते ना, वहाँ बैठ के पोपटलाल का इंतजार करते हैं। हाँ, हाँ। तारक बिल्कुल सही कह रहे हैं, माधवी भाभी भी घर पे नहीं है, आप थक भी गए हैं तो चलिए ना, मैं आपको चाय नाश्ता बना के देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। हाँ हाँ, मेहता साहब जाइए, ले जाइए भिड़े को अंदर। क्या है कि मैं, सोडी और आती भाई यहीं रुकते हैं, और पोपटलाल जैसे ही आए उसको दबोच के अंदर लेके आ। बिल्कुल भिड़े, अभी सकारम हमारी जिम्मेदारी है, तो बिल्कुल चिंता मत कर। जैसे आते बता रहा जेठालाल, उसे मत बता, मैं अंदर बैठा हूं। अंदर आप सब भी चलिए, सब चलते हैं, आइए ना, आइए आइए। हाँ जाइए जाइए जाइए, अनुशक राम। अरे अब्दुल, दुकान पे कोई है? नहीं कोई नहीं है, बोलो ना क्या चाहिए। नहीं नहीं कुछ चाहिए नहीं, मैंने बोला अभी यहाँ कुछ काम नहीं है, तू जा दुकान संभाल आराम से। हाँ बिल्कुल अब्दुल, जा 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 भाई, जाओ। हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। अय्यर भाई, आप क्यों खड़ा है, आप जाइए अंदर। क्यों? मैं यहाँ खड़ा है तो तुमको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, यहाँ धूप बहुत है ना, इसके लिए बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं। जडलल, चेन्नई में तो इससे भी ज्यादा धूप है, और मैं उस धूप में पला बड़ा हूँ, यह धूप तो कुछ भी नहीं है। अरे पर यहाँ खड़े रह के आपको करना क्या है? कंफर्म करना है कि पोपटलाल के पास स्कूटर है या नहीं। अरे या यार भाई, तो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे, इनको कैसे भी करके अंदर तो पहुंचाना ही पड़ेगा, क्या करूं? एक काम करता हूं, मैं ही अंदर चला जाता हूं, मेरे पीछे पीछे पंचायत करने जरूर आएंगे, फिर उनको मेहता साहब को सौंप के मैं बाहर आ जाऊंगा। हाथी भाई, छोटी हाँ जी, मैं जरा अंदर मेहता साहब को मिल के आता हूँ। ओके जी। हाँ। एक मिनट, शांति रखो। अरे सब महिला मंडल का है अंदर, क्या हो? अरे बबीता जी, बबीता से क्या काम है? एक मिनट, अभी पता चल जाएगा, एक मिनट शांति रखो यार भाई। बबीता जी। हाँ जेठा जी, बोलिए। बबीता जी एक मिनट जरा आइए ना। मिनट आप उधर रुको ना भाई। अरे आइए भाई एक मिनट। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये सुनो। बबीता जी क्या है, अभी मैं, सूडी और आतिफ भाई शखराम को लेने के लिए जा रहे हैं। ओके। और यहाँ भिड़े को संभालने के लिए मेहता साहब अकेले। हाँ। तो मैंने अय्यर भाई को बोला कि आप इधर मेहता साहब के साथ रहो, लेकिन वो समझते ही नहीं, बोले नहीं मैं भी आपके साथ आऊंगा, तो आप जरा प्लीज उनको समझाओ ना कि वो इधर रहे। अच्छा ओके, अय्यर यहाँ आओ जरा। अय्यर तुम्हें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं पे रहो, भीड़े भाई का ध्यान रखो। बोल रहे हैं ना इधर रुको, तो रुको ना भाई, बबीता जी बोल रहे हैं, उनको भी तो, उनका भी नहीं मानेंगे। ठीक है, भीड़े भाई का ध्यान रखना है। थैंक यू, थैंक यू। ओके। अरे अच्छा। आश, क्यों गया जेठापुरा, अचानक अंदर क्यों गए? अरे वो नाक को बिल में छोड़ने गया था। मुझे कब से आप लोगों से बात करनी थी कि भाई अब तक तो हमने मामला संभाल लिया है, लेकिन मान लो पोपटलाल अचानक जल्दी आ गया तो क्या करेंगे? लेकिन ये बात करूं तो कैसे करूं? वो अय्यर भाई वो खजाने पर बैठे नाक की तरह यहीं खड़े थे, इसलिए उनको जरा बबीता जी के पास छोड़ के आया। ओ अच्छा अच्छा, अब क्या करें? एक काम करें, पोपू को फोन करके बोल देते हैं जब तक हम ना कहें तब तक यहाँ ना आए, प्रेस में ही रहे। हाँ ये अच्छा आइडिया, मैं फोन करता हूँ। उसका फोन तो नॉट रिचेबल आ रहा है,
दीदी क्या हुआ? वो जेठा प्रा, जैसे सवेरे हम सोच रहे थे कि पीड़ू तो लोनावाला गया हुआ है, पर वो अपने घर के अंदर सो रहा था। नहीं ऐसा तो नहीं, हम सोच रहे हैं कि पोपू प्रेस में है और वो अपने घर में सो रहा हो। सोडी डरा मत दोस्त, बड़ी मुश्किल से ये सब सोचा है। नहीं नहीं, लेकिन छोटी की बात सच आती भाई। एक काम कर छोटी, जा फटाफट जाके चेक करके आ। तो जा जा जा। हाँ जेठा भाई। जेठा भाई, अगर पोपटलाल घर पे हुआ तो हम लोग तो फंस जाएंगे। नहीं नहीं, काम करेंगे ना, उसको घर से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। जेठा भाई, वो पोपट है, उसे जितना रोकने की कोशिश करेंगे वो उतना ही उड़ने की कोशिश करेगा। पप्पू के घर पे तो ताला है, वो बच गए, बचा गए। मतलब जी, थैंक यू। हाँ लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना आती भाई। पप्पू घर पे नहीं है, ताला लगा हुआ है। दबची की मेरा। चलो हाँ, अब जल्दी बोलो की करना आगे। अभी एक काम करें, कैसे भी करके भीड़े को थोड़ी देर के लिए सुला दे। सुला दो, लेकिन सुलाए कैसे? आती भाई, थोड़ी देर के लिए भीड़े को सुलाना है तो एक छोटा सा नींद का इंजेक्शन अगर आप। अरे नींद के इंजेक्शन की बात ही मत कीजिए जेठा भाई, ये सब गलत है। मैं एक डॉक्टर हूँ और वैसे भी कल मैंने मना किया था इसके लिए, फिर भी आप सेम टू सेम बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, कल आपने बोला था, लेकिन मैंने सोचा वो कल बोला था ना, अभी आज नया दिन है तो शायद। दिन कोई भी हो जेठा भाई, जो गलत है वो गलत है। नहीं बराबर बराबर है, तो क्या करें? आइडिया की, एक काम करें, भीड़े को जायफल वाला दूध पिला के सुला दे। क्या कि मैंने सुना है जायफल वाला दूध पीने से एकदम घेन चढ़ता है और घस घसाट नींद आ जाती है। सही बात है जेठा भाई, जायफल के अंदर ट्राइमिस्टिन होता है जो नींद आने में मदद करता है। वाह वाह बढ़िया। तो हाथी भाई, आपके घर पे जायफल, काजू बादाम, पिस्ता वगैरह तो होगा ना? सब है। तो आप एक ऐसा जायफल वाला मसाला दूध बना के ले आइए और भीड़े को पिला दीजिए। ठीक है। पर जेठा भरा, हमको तो पोपू को यहाँ आने से रोकना है, फिर पीड़ू को दूध क्यों पिलाना? छोटी समझा नहीं तू, अभी भीड़े हमारे लिए उस बच्चे जैसा है जो सखाराम नाम के खिलौने के लिए दम पछाड़ा कर रहा है। अभी छोटे बच्चे खिलौने के लिए जब भी जिद करते हैं तो बड़े क्या करते हैं? जायफल वाला दूध पिला के उनको थोड़ी देर के लिए सुला देते, तो बच्चे क्या जब भी उठते हैं तो सब भूल जाते। तो ऐसे ही हम लोग भीड़े को जायफल वाला दूध पिला के थोड़ी देर के लिए सुला देते, फिर जब तक वो सो रहा है तब तक तू और मैं, हम लोग यहाँ से जाते हैं, तू मुझे पोपटलाल के प्रेस में छोड़ देना और वहाँ से तू चले जाना सखाराम को लेने। मैं प्रेस में पोपटलाल को बातों में उलझा के 2 बजे तक उधर से उसको निकलने नहीं दूंगा। जैसे सखाराम रेडी होता है तू मुझे फोन करना कि सखाराम रेडी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी, उसी वक्त मैं पोपटलाल को लेके यहाँ आ जाऊँगा। तो क्या कि जब भीड़े उठेगा तो सखाराम अपनी जगह पे होगा तो उसका भी गुस्सा शांत हो गया होगा। सही बात है, पोपटलाल और भीड़े मास्टर मिल ही नहीं पाएंगे। हाँ। पर बाद में पोपू और पीड़ू आपस में मिलेंगे और सखाराम के बारे में बात करेंगे, तो फिर हम लोग क्या जवाब देंगे? अभी छोड़ी, बात की बात बाद में, अभी तो इतना करते हैं भाई है? बाद में सोचेंगे क्या करना। हाँ, पर जेठा भरा, आज समझ में आ गया टप्पू को इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया आते कहाँ से हैं? अरे भाई नाम मत ले टप्पू का, ये बच्चों की कारस्तानी की वजह से ही तो हम लोग फंसे। अथी भाई अभी जाइए आप फटाफट जायफल वाला मसाला दूध बना के ले आइए और भीड़े को पिला के उसे सुला दीजिए। ठीक है, एक मिनट आती भा, याद रखना जायफल वाला दूध पीड़ू को पिलाना है, खुद मत पी जाना। हाँ हाँ, भीड़े मास्टर को भी पिलाऊंगा। भी मतलब? मतलब भीड़े मास्टर को ही पिलाऊंगा। जाइए 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 जल्दी। छोटी मैं क्या कहता हूँ, जरा मेहता साहब को भी बता के जाए कि हम लोग ऐसे जा रहे हैं। चलो चलो। मेहता साहब, आप पोपटलाल को फोन करो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे से बात करनी है अभी। एक मिनट, अरे भाई फोन पे गुस्सा करके क्या फायदा, जब सामने आया तब भरपूर गुस्सा कर लेना। फिर भी एक बार पोपटलाल से फोन पे बात कर लेते। अरे
यार भाई आप क्यों तकलीफ दे रहे हैं ले रहे हैं। जेठालाल तू अभी तक गए नहीं? नहीं नहीं हम लोग निकल ही गए थे, नुक्कड़ तक पहुंच ही गए थे कि मुझे याद आया कि भाई तुम लोग कहीं पोपटलाल को फोन ना कर दो, तो वही बताने के लिए वापस आए कि भाई पोपटलाल को फोन मत करना। अरे क्यों? क्यों क्या भिड़े, वो चौकन्ना हो गया और सखारों को लेके कहीं भाग गया तो ना पोपटलाल मिलेगा ना सखाराम। सखाराम पाइजे नहीं नहीं यहाँ से कोई फोन नहीं करेगा, मैं किसी को फोन नहीं करने दूंगा जेठालाल। हाँ फोन दो, आपका फोन दो। नहीं मैं फोन नहीं करेगा, रख दे। ये मैं करने ही नहीं दूंगा, फोन नहीं करना, फोन नहीं। चलो हम लोग जाके आते हैं। रुको रुको रुको, मैं भी आता हूँ तुम लोग के साथ। पूरे प्रेस के सामने पोपट लड़के से पकड़ूंगा और उसकी जेब से चाबी निकालूंगा सखाराम की। चलो चलो चलो। कुछ बात तो सुनो यार, तुम क्या सुनो मेहता साहब, मुझे अभी के अभी पोपट लड़के प्रेस जाना है। आ तो हम लोग जा रहे हैं ना भिड़े। हाँ तो जेठालाल ठीक है ना, हम सब लोग चलते हैं। हाँ चलो चलो चलो। अरे रुक, अरे अरे क्या कर रहे हो सुड़ी, मैं तनु नहीं जान देना। अरे लेकिन क्यों नहीं जाने लोगे भाई, प्रेस पे जाऊंगा, पोपटलाल को सखराम से बांधूंगा और फिर दौड़ाते उसको गोकुलधाम तक लेके आऊंगा। वो जानता नहीं एक शिक्षक की ताकत को। अरे शिक्षक साधारण नहीं होता है, निर्माण और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। चलो। अरे एक मिनट यार भाई, शांति रखो ना आप यार, शांति रखो। देख भिड़े, ये हमारे गोकुलधाम का मामला है, तू उधर जाएगा धमाल करेगा तो गोकुलधाम का कितना बुरा दिखेगा। अरे क्या हाँ सोड़ी जेठालाल, इसमें गोकुलधाम इसमें कहाँ से आ गया। अरे भाई तू गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी है, अभी तू वहाँ जाके झगड़ा करेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में, कि ये गोकुलधाम सोसाइटी वाले तो सब ऐसे ही झगड़ालू है। और दूसरी बात, तू वहाँ प्रेस में जाके झगड़ा करेगा तो वो लोग तेरी फोटो खींच के उधर के उधर ही अखबार में छाप देंगे कि गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी की दिन दहाड़े गुंडागिरी। कितनी बदनामी होगी तेरी भीड़े, सोच कौन भेजेगा फिर तेरे पास ट्यूशन के लिए अपने बच्चों को, है मेहता साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अरे प्रेस पे हमला समझता है तू भिड़े, प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, प्रेस, और प्रेस पे हमला सरकारें भी बसती है और तू तो प्रेस में जाके हमला करने वाला है। नहीं, बहुत गलत बात भिड़े भाई, ये सोसाइटी की बात है, सोसाइटी में ही रहनी चाहिए, इसे सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, है ना जेठालाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो भिड़े हम लोग जाते हैं, तू यहीं रहे, हम लोग पोपटलाल को लेके आते। चलो चलो भिड़े, अरे ये लोग कर लेंगे, आओ ना। हाँ चलो चलो चलो, आओ छोटे, चलो मैं भी आता हूँ। यार भाई अब कौन है? मैं एक साइंटिस्ट है, और वो भी सीधे साधे साइंटिस्ट नहीं, उसके साथ साथ आप एक समझदार इंसान भी है। तो मेरे हिसाब से भीड़े को समझाने के लिए आपकी जरूरत यहाँ ज्यादा है, है ना सोटी? यस यस अय्यर प्रा, अंदर। यस सॉरी, आई एम नीडेड हियर। क्या बात है जेठा प्रा, क्या मस्त सेट कितने यार। क्या करे यार, करना ही पड़ेगा ना। चल चल अभी जल्दी से प्रेस में जाते हैं, वरना जो सेट किया है वो सब बिगड़ जाएगा। चल 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 सोटी, जल्दी चलते हैं। जेठा प्रा, हम लोग एक गल तो भूल ही गए। कौन से? हाथी भाई पीड़ू को दूध पिलाए उससे पहले अगर पोपू सोसाइटी में आ गया तो। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोल भाई, शुभ शुभ बोल, पोपटलाल यहाँ सोसाइटी में पहुंच गया तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं वो दोपहर को ही आएगा। चल चल ठीक है। बस 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 बस, कितना हुआ भाई? हाँ ये लो,
अरे अब्दुल फटाफट ब्रेड का पैकेट दे भाई, पूरी रात जगा हूँ, इतनी थकान हो रही है, ब्रेड बटर खा के आज पूरा दिन सोऊंगा। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहा है? सकाराम किधर है? सकाराम? हाँ, भिड़े भाई का स्कूटर। अरे वो पता है मुझे, लेकिन मुझे क्यों पूछ रहा है? सकाराम आप ही लेके गए थे ना? पूरी रात मैं जगा हूँ लेकिन नींद में तू लग रहा है, तू भी पूरी रात जगा है? पोपट भाई आप मजाक कर रहे हैं ना, बता दीजिए ना कि सकाराम कहाँ है। अरे सकाराम कहाँ, वो भिड़े को पता होगा, मुझे कैसे पता होगा? मतलब आप सकाराम लेके नहीं गए? अरे मैं सकाराम को लेके क्यों जाऊंगा भाई, तो फटाफट ब्रेड का पैकेट देना। ओहो, जो आज तक गोकुलधाम में नहीं हुआ वो हंगामा होगा। क्या भिड़े भाई का सकाराम सवेरे से गायब है? अरे बाप रे, और उनको लगता है कि सकाराम आप लेके गए हैं। क्या आपके नाम पे बिल फटा हुआ है? भिड़े का सकाराम गायब है तो उसका आरोप वो मुझ पर लगा रहा है? उन्होंने कहा है कि आज सोसाइटी में पोपट भाई नहीं या तो आप ही नहीं। क्या? एक तो बेबुनियाद आरोप लगाता है और फिर कुछ भी बोलता है, सेक्रेटरी है तो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा। पोपट लाल जब तक अच्छा है तब तक अच्छा है, लेकिन एक बार उसे कोई छेड़ दे तो उसे वो छोड़ता नहीं है। पोपट भाई, छाता मुझे दे दीजिए। क्यों? वो भिड़े भाई ने कहा है कि आपका छाता फाड़ देंगे। मेरा छाता फाड़ेगा वो? हाँ, और उन्होंने श्राप भी दिया है कि आपके 5 साल तक शादी नहीं होगी। मुझे ऐसा श्राप दिया? हाँ, वो भिड़े भाई बहुत परेशान है ना, कहाँ होगा उनका सकाराम? अरे कहाँ होगा क्या, अब तो भिड़े का स्कूटर मेरे पास ही है, लेकिन मैं उसे बताऊंगा नहीं कहाँ है। अरे मेरी शादी की शहनाई के सुरों को रोकने वाला वो होता कौन है? आज तो यहाँ ये छाता रहेगा या भिड़े। भिड़े पकड़ भाई, ओ भिड़े। अरे भिड़े ऐसे परेशान होने से क्या होगा दोस्त, मिल जाएगा ना स्कूटर, मतलब सकाराम मिल जाएगा। ओ भिड़े। अरे पकड़ भाई, भिड़े ओ भिड़े, बाहर आ। ओ भिड़े। अरे लेडीज की तरह घर में छिपके क्या बैठा है, बाहर आ। पोपट भाई शांत। जेठा भाई और सोडी पोपटलाल को रोकने प्रेस गए हैं और पोपटलाल यहाँ पहुँच गया, अब तो ये दूध भिड़े के कोई काम का नहीं है। पोपटलाल आज तो तू गया। भिड़े मैं क्या करूं, देखो देखो ऐसे गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। मेहता साहब, उसने मेरे सकाराम को हाथ लगाया है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। देखो देखो मेरी बात तो सुनो पोपटलाल। पोपटलाल शांत हो जाओ पोपटलाल। प्लीज आज आप कुछ मत बोलिए। लेकिन मेहता साहब, पोपटलाल से बात तो करना पड़ेगा ना। भिड़े मारो। अरे भिड़े बात तो सुनो यार, मेरी शादी के बारे में अनाप शनाप बोलता है। अरे आज तो तू गया। भिड़े भिड़े देखो आधारा। ए पोपट पीछे देख, यहाँ खड़ा हूं मैं। गोकुड़ाई जी, आई बड़ू शूट है रही हूँ गोकुल धामा। पोपट भाई तो आ गए पर सकाराम नहीं दिख रहा है, सकाराम कहाँ पे होगा? भिड़े देखो बात सुनो। मेहता साहब आज कोई भी बीच में नहीं आएगा। हाँ, कोई बीच में नहीं आएगा, अगर कोई बीच में आया तो समझो वो भी गया। पोपटलाल समझा करो बात को आराम से। ये क्या, ये जेठालाल और सोढ़ी ही जिस पोपटलाल को रोकने के लिए प्रेस तक गए, वो पोपटलाल तो कंपाउंड में आ गया। क्या करूं, कहां जाऊं, कहां छिपूं? पोपटलाल और भिड़े आमने सामने हैं। मैंने, जेठालाल ने, सोढ़ी ने, डॉक्टर हाथी ने जिस पोपटलाल पे सकाराम को ले जाने का इल्जाम धर दिया कि उसने मजाक किए, वो पोपटलाल तो आ गया सोसाइटी कंपाउंड में, पर ये तो दोपहर को आने वाला था, इतनी जल्दी क्यों आ गया? अब क्या होगा,
युद्ध का मैदान बनेगा गोकुलधाम सोसाइटी, दोनों के बीच भयानक युद्ध होगा क्योंकि सखराम को ले जाने की वजह से भिड़े आग बबूला है पोपटलाल, फिर पोपटलाल भिड़े ने जो शादी के बारे में श्राप दिया है उस वजह से गुस्से में है। अब क्या होगा जब दोनों आमने सामने होंगे, किस्मत हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है, हम कहाँ जाएंगे क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पोपटलाल तो एक सेकंड में बता देगा कि उसने सखराम नहीं लिया, वो सखराम को लेकर नहीं गया, तो फिर क्या, कहाँ छिपे, छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात है, आपके घरों में हंसी छिपके नहीं रहेगी, खुल के आएगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरे सखाराम को हाथ लगाने की तुमने हिम्मत कैसे की? सखाराम को छोड़, तूने मेरी शादी के बारे में अनाप शनाप बोलने की हिम्मत कैसे की? पोपटलाल, मेरा सखाराम कहाँ है? नहीं बताऊंगा, जो होता है वो कर ले। अब्दुल छोड़ मुझे। नहीं पोपटलाल, अरे आगे आना। छोड़ो मुझे। मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, आज पोपटलाल तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तू क्या नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कैसे लड़ाई कर रहे पोपटलाल, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। अरे पढ़ने दे, मैं डरता हूँ क्या, मैं कभी कोई हल्का काम करता ही नहीं हूँ। पर आना आना आ गया। अरे पोपटलाल, सखाराम कहाँ है वो बता दो और बात को खत्म करो। हाँ। अरे इसका स्कूटर, ये स्कूटर नहीं बोल, सखाराम बोल सखाराम। अरे मैं स्कूटर ही बोलूंगा। मेरी शादी को 5 साल के लिए रोका ना तूने, अब तो मैं 1000 बार स्कूटर ही बोलूंगा। अच्छा, तो तुम्हारी शादी अगले 10 साल तक नहीं होगी। अरे तो तेरा स्कूटर 20 साल के बाद मिलेगा। पोपटलाल, माझा सहन शक्ति तांत पाऊ लोगो, बता दो सखाराम कहाँ है। नहीं बताऊंगा। अरे देखो पत्रकारों कैसी बचकानी हरकत कर रहा है। अरे तो तू शिक्षक होकर कौन सी पढ़ा वाली हरकत कर रहा है। अरे शांत हो जाओ पोपटलाल, शांत हो जाओ भाई। मामला हाथ से निकलता जा रहा है, मुझसे अकेले से नहीं संभलेगा, जेठालाल को बुलाना ही पड़ेगा। आइए एक मिनट, खुद ही सुन लो भाई, तुम खुद सुन लो। तुझे अपना दोस्त मानता था, लेकिन आज से हमारी दोस्ती खत्म। अरे जो खत्म करना वो खत्म कर, मेरा सखाराम कहाँ है बोल दे। जब तक तू अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं लेगा, तब तक मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। अरे तू क्या ले सुनी पोपटलाल की आवाज सुनी। पोपटलाल सोसाइटी में पहुंच गया। सोसाइटी पहुंच गया। जी हाँ, पोपटलाल गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच गया और युद्ध का मैदान बन गया है गोकुलधाम सोसाइटी। तुरंत आओ भाई, तुम लोग तुरंत आओ। मेहता साहब, अभी हम वहाँ के क्या करेंगे, अभी हम तो डायरेक्ट 2 बजे के बाद सखाराम को लेके ही आते, तब तक हम जरा मामला संभाल लो, ठीक है। क्या संभालू, कैसे संभालू जेठालाल। भिड़े को जाके ये बोल दूं कि भाई जब तक तुम्हारा स्कूटर रिपेयर होकर वापस नहीं आता था, तब तक टाइम पास करने के लिए पोपटलाल के नाम का पपलू हम लोगों ने फेंका था। पोपटलाल को बोल दो कि भाई भिड़े भर करवा, तो तुम झूठ बोल दो कि स्कूटर तुम्हारे पास है, संभालू कैसे। जो आपको ठीक लगे आप बोल दो ना, चलेगा मेहता साहब। आप कैसे भी करके जरा 2 बजे का मामला संभाल लो। चलो जेठालाल, मुझसे अकेले से मामला नहीं संभलेगा, यहाँ की परिस्थिति बहुत खराब है, तुम लोगों को अभी का अभी वापस आना पड़ेगा। और अगर नहीं आया तो मैं भिड़े को सच सच बता दूंगा। मेहता साहब, बस ना, यही आपकी दोस्ती, यही आपका प्यार। हाँ, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, यही तुम्हारी दोस्ती, यही तुम्हारा प्यार। कुछ को यहाँ बीच मस्तान में फंसा के तुम लोग किनारे पे जीप में घूम रहे हो। अभी के भी आना पड़ेगा जेठालाल, आई वॉन्ट यू गाइज हियर नाउ। तुम तुरंत चले आओ गोकुलधाम सोसाइटी में, बस। चल भाई छोटी, यू टर्न ले ले, टेंशन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज को छेड़ा है पोपटलाल। तुमने मेरी दुखती रख को छेड़ा है। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो, क्या आप लोगों को शोभा देता है ये? आज की वजह से मेहता साहब इज राइट, बाजू का सोसाइटी वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अरे जो सोचते हैं वो सोचे, आई डोंट केयर। पोपट भाई, खुदाई जी ने वास्ते बोली दो नहीं, सखाराम छे का। बता बता पोपटलाल, मेरा सखाराम का है बता। नहीं बताऊंगा, जो करना है कर ले। अरे भाई भिड़े मास्टर, तुम तो मान जाओ। नहीं मानूंगा मैं हाथी भाई, बिल्कुल नहीं मानूंगा। आज पोपटलाल को उसके किए की सजा मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अरे तू कौन होता है मुझे सजा देने वाला।
लेकर गया मैं तेरा स्कूटर, लेकर भी गया, उसे बेच दिया और उससे जो पैसे मिले उसे मैंने अपनी शादी के फंड में जमा भी कर लिया। ओके पोपटलाल, तुम बहुत गलत कर रहे हो। अरे गलत तो तुमने किया है, एक कुंवारे आदमी की भावनाओं के साथ खेलते, मजाक उड़ाते, तो तुम मेरी भावनाओं के साथ नहीं खेल रहे हो। तुम्हें पता है ना कि सकरम के साथ मेरी कितनी भावनाएं जुड़ी हुई है। एक तो सकरम को हाथ लगाया, बिना पूछे उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाई। अरे पत्रकार का चोर है। अरे भिड़े, तू अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। मुझे चोर बोलता है, मैं चोर हूं। अबे क्या भी मुझसे माफी मांग। अरे माफी तो तुझे मुझसे मांगनी चाहिए। अरे मैं क्यों माफी मांगू, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अरे मजाक किया है, गंदा मजाक किया है तूने। मजाक मजाक में मेरे सकरम की डुप्लीकेट चाबी बनाई, मजाक मजाक में सकरम को लेकर घूम रहे हो तुम क्या? हाँ, अरे माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए। हाँ पोपट भाई, भेड़े भाई सही कह रहे, मजाक की शुरुआत तो आपने की है ना, तो प्लीज आप माफी मांग लो ना। पोपट भाई प्लीज माफी मांग लीजिए ना, बात यही खत्म हो जाएगी। अरे अंजलि भाभी, मैंने कोई ऐसा मजाक किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू। अच्छा मतलब तुम सकरम को लेकर गए ही नहीं। अरे मैं क्यों तेरे सकरम को लेकर जाऊंगा, यहाँ मेरे पास सांस लेने की फुर्सत नहीं। पूरी रात तूफान एक्सप्रेस में मगजमारी कर रहा था, अभी आया हूँ, मैं तेरे साथ ऐसा मजाक क्यों करूंगा। मतलब तुमका एक मिनट, ये तुम मेरे सकरम को लेकर नहीं गए। हाथी भाई एक मिनट छोड़िए, अब छोड़ छोड़े हाथी भाई, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, छोड़िए। अरे नहीं भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तेरे सकरम को लेकर क्यों जाऊंगा। अरे तुम्हें कब से पूछ रहा हूँ, तो उल्टे सीधे जवाब क्यों दे रहे थे पोपटलाल? क्यों ऐसे बोला कि सकरम को बेच दिया मैंने और पैसा शादी के फंड में जमा कर दिया। अरे तूने बात ही ऐसी की, बिना सोचे समझे मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया और ऊपर से ये श्राप दे दिया कि अगले 5 साल तक मेरी शादी नहीं होगी। अरे तू होता कौन है मेरी शादी रोकने वाला? और क्या बोला था तूने कि मेरे छाते को फाड़ देगा? ले ले फाड़, मेरे छाते को फाड़ के दिखा। अरे एक मिनट, यहाँ कुछ कंफ्यूजन है। देखो आत्माराम, हमको लग रहा था कि पोपटलाल ने मजाक किया है, लेकिन पोपटलाल का कहना है कि उसने कोई मजाक नहीं किया और वो कल रात से प्रेस में था और सोसाइटी में अब भी आया है, तो फिर अभी झगड़ा किस बात का है? Exactly. पोपटलाल, तुम सच बोल रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अपने छाते की कसम खा के बोलो पोपटलाल। मैं अपने छाते की कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं तेरे सखाराम को लेकर नहीं गया। मैंने तेरे साथ कोई मजाक नहीं किया। अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दूं तब मानेगा तू? पोपट भाई, भिड़े भाई, आप लोग तो खामों का भिड़ गए। आप लोग तो एकदम तलवार निकाल ली। सच कहूं तो गलती आप दोनों की है, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे बस एक दूसरे से झगड़ने लगे आप लोग। आप दोनों को एक दूसरे से माफी मांगनी चाहिए। करेक्ट। सॉरी पोपटलाल। नहीं 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 भिड़े, सॉरी मुझे बोलने दे, मैंने बहुत भला बुरा कह दिया तुझे। नहीं नहीं पोपटलाल, गलती मेरी है, गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं। एक्चुअली सुबह से सकरम गायब है तो मुझे सूझ ही नहीं रहा है, और आई एम सॉरी भाई कि मैंने तुम्हारे शादी के बारे में ऐसा बोला। मैं अपना शराब वापस लेता हूँ पोपटलाल, और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी होगी। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा सकरम तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए। एकदम भरत मिलाप का दृश्य लग रहा है। क्या मैं तो साहब,
इन दोनों के बीच में तो सुलह हो गई। जैसे ही पता चलेगा कि पोपटलाल स्कूटर लेके गया ये बात जेठालाल ने की थी, फंसेगा जेठालाल। पोपटलाल जो हुआ उसे भूल जाओ भाई। अरे भूल गया भाई, कब का भूल गया, मेरा दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू पोपटलाल। भिड़े एक बात समझ में नहीं आई, मैं तेरा स्कूटर पोपटलाल सखाराम लेकर गया था और मैंने तेरे साथ ये मजाक किया, ये बात तेरे दिमाग में आई कहां से? अरे जयडलाल ने आत्माराम को बोला। अरे नहीं बोला मतलब, भाई तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, बोला मतलब दिमाग में नहीं बिठाया, वो तो संभावना बता रहा था भाई। सही बात है। नो 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 मैं दादा, जयडलाल ने पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में पोपटलाल का नाम लिया था। हाँ नहीं तो मैं तुम्हारा नाम क्यों लूंगा भाई। अच्छा आगे लागे छोटी आगे से घुमा, आगे से घुमा। जेठालाल जेठालाल पोपटलाल पोपटलाल एक एक देखो शांति से बात करते, शांति से बात। शांति से कैसे बात करें? नहीं अभी शांति से बात नहीं होगी जेठालाल। देखिए मेरी बात मानिए, आप लोग अपने गुस्से पे काबू रखिए फिर बात कीजिए ना। सही बात है प्लीज। अरे कैसे काबू रखे, बिना वजह जेठालाल ने मेरे खिलाफ भिड़े को भड़का दिया। क्यों जेठालाल क्यों? अरे पोपटलाल तुम गलत समझ रहे हो भाई, मैंने भिड़े को भड़काने के लिए तुम्हारा नाम नहीं बोला था, उसकी मदद करने के लिए तुम्हारा नाम बोला था। अरे किसी की शादी रोककर तुम कौन सी मदद कर रहे थे? नहीं 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 वो शादी का श्राप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने भिड़े को नहीं बोला था ऐसा बोलने के लिए, वो तो अपने आप बोला। वो आपने बोला मतलब तुमने मुझे पोपटलाल के खिलाफ भड़काया इसलिए मैंने श्राप दिया, नहीं तो मैं क्यों देता? बिड़े भाई मैं तो एक अच्छे पड़ोसी की तरह तेरा दुख में भागीदार हो रहा था भाई। वो तेरा स्कूटर तेरा सखरम खो गया है तो और क्या, सब लोग सोसाइटी में थे सिर्फ पोपटलाल नहीं था, मुझे लगा पोपटलाल ले गया होगा, मतलब पोपटलाल ने तुझसे मजाक की होगी ऐसा ही बोला ना, और कुछ बोला क्या, कुछ गलत बोला मैंने इसमें? और हम सबको पता है पोपटलाल कितना मजा किया है, हमेशा हंसता हंसाता रहता है सबको। लेकिन एक मिनट पोपटलाल, तुम भिड़े का सखारम लेके नहीं गए? नहीं। एक मिनट सॉरी भिड़े पोपटलाल तेरा सखारम लेके नहीं गए, सॉरी मेरा अंदाजा गलत निकला, सॉरी। हाँ दोस्त बस बोल दिया मैंने, सॉरी बोल दिया फिर। ओके राजी? और मुझ पे जो इल्जाम लगा वो? अरे तो कौन सी बड़ी सजा हो गई तुझे भाई, क्या तू इल्जाम कर रहे हैं? बस अभी मजाक नहीं है पोपटलाल। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो करो मत भूलो तुम एक मजाकिया इंसान हो। करो मजाक करो। अभी हम लोग सब है ना मेहता साहब के घर में जाकर शांति से बैठ के बात करते हैं, मेहता साहब। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे भिड़े कितनी देर से धूप में खड़े हो तुम लोग भाई, मतलब हम सब लोग ही धूप में खड़े हो और तुम चिल्ला रहे हो भाई, अंदर चल के आराम से बैठो शांति से पानी वानी पियो। हाँ भिड़े भाई चलिए। सही बात है, ज्यादा देर धूप में खड़े रहोगे ना तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल अय्यर भाई। हाँ? दुकान पर कोई है नहीं। हाँ? तो मैं जाता हूँ, कुछ काम रहेगा तो मुझे जरूर बुलाना। हाँ, बोलता हूँ बोलता हूँ। चलो भाई आओ फिर आओ। हाँ, 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 चल आराम से आराम से। हाँ तू चिल्ला रहा है। आजा भिड़े भिड़े। हाँ शांति से बिल्कुल चिंता मत कर, सखरम मिल जाएगा तेरा। हाँ भिड़े को जाने दो पहले। आओ भैया एक एक भिड़े भिड़े को जाने दो। आओ भिड़े। वैसे जेठालाल एक बात समझ में नहीं आई, कल रात को 3:30 बजे तुमने मुझे फोन क्यों किया था?
दिया था तुमको? नहीं? अरे भाई हमारी बात हुई फोन पे, मेरे फोन के कॉल लिस्ट में तुम्हारा नाम है। अच्छा आज सुबह 3:30 बजे? हाँ हाँ, तुमने कल बोला तो मैं जरा कंफ्यूज हो गया। हाँ आज किया था। मतलब तुम कल रात को 3:30 बजे तक जाग रहे थे? अरे भाई अभी बोला ना मुझे फोन किया था तो जाग ही रहा होगा ना, नींद में थोड़ी फोन किया होगा। जेठालाल तुम्हारा देर रात तक जागना और सखाराम का गायब होना बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। अरे तो मतलब क्या क्या कहना क्या चाहता है? कल रात तो तारक भी देर तक जाग रहे थे, उनके दोस्त का फोन आया था ना तो उन्हें अर्जेंट बाहर जाना पड़ा था। हाँ हाँ हाँ, कल रात को हंस भी बाहर गए थे। काले तो रोशन पर ना अड्डी रात को गड्डी ठीक करने बाहर गया था, है नहीं रोशन? हाँ। अरे ये बात अभी कहाँ निकली, फिर से सब फंस जाएंगे, भेड़े अभी बाल के खाल निकालेगा। तुम चारों एक साथ बाहर गए थे? नहीं मैं तो अकेला ही गया था भाई, फ्रेंड की वाइफ एडमिट थी, पैसे चाहिए थे। ओ, तो मैं तो ऐसे ही निकल गया जो कपड़े पहने हुए थे उसमें ही, तो मैंने तो इन लोगों को देखा ही नहीं, आप लोग भी गए थे रात को? हाँ मैंने भी नहीं देखा, क्या कि मुझे एक पेशेंट को देखने जाना था तो आते जाते वक्त मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ जी मैंने भी ये तीनों नहीं मिले, मैं गया आया कंपाउंड एकदम खाली था। जेठालाल तुमने नहीं बताया कल रात को तुम क्यों जाग रहे थे, कहाँ गए थे? गोडाउन। इतनी रात गए? क्या हुआ कल वो टीवी के स्टॉक की डिलीवरी शाम को आने वाली थी, लेकिन वो क्या ट्रक रास्ते में कुछ बिगड़ गया था तो आधी रात को आई, और नट्टू काका वो गोडाउन की चाबी दुकान में ही भूल गए थे तो फिर मुझे जाना पड़ा। अच्छा अच्छा, आप सब जब गए थे तभी मेरा सखराम जगह पे था? बेटा देख मैं अपने घर से निकलता हूँ, सीढ़ी उतरता हूँ तो सोसाइटी के बाहर जाने के लिए तो सीधा ऐसे राइट में मुड़ना पड़ता है ना, और तेरा सखराम उधर लेफ्ट में होता है कोने में, तो उधर देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए मैंने तो देखा ही नहीं, मैं ऐसा ही जमुनी बाजू मुड़ के निकल गया सीधा बाहर। सेम टू सेम, मैं अभी घर से निकलूं तो मेरा भी तो रास्ता वो राइट में ही है ना। हाँ। और मैं तो इतना टेंशन में था कि मुझे कुछ ध्यान ही नहीं था, एकदम निकला राइट से निकल गया फटा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पैसे की जरूरत थी। वो टेंशन में आधी रात को टेंशन बहुत होता है। मैं तो इतना फटाफट निकला कि मैंने राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखा, सीधे निकल गया। आती भाई आप तो आराम से ही जाते हैं ना, आपने तो देखा होगा सकाराम को। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, जब मैं निकला ना तो मेरे पेशेंट के घर वालों का फोन आया था, और फोन मेरे राइट हैंड में था, और मेरा पूरा इधर राइट का पूरा व्यू ही ब्लॉक था, तो मैं बात करते हुए जा रहा था, मुझे सखाराम दिखाई नहीं। एक बात इंटरेस्टिंग है, रात को ही सखाराम गायब हुआ और रात को ही जेठालाल का बाहर जाना हुआ। यार भाई बबीता जी, यार भाई मेरे पीछे क्यों पड़ गए? अरे जेठालाल तुम बात बात में बबीता को बीच में क्यों लाता है? अरे बार बार आप मुझे क्यों बीच में ले रहे? कल हाथी भाई छोटी मेहता सब सब रात को बाहर गए थे, लेकिन उनका कुछ नहीं, आपको सिर्फ मैं ही नजर में आया। जेठालाल कल रात को तुमने मुझे फोन क्यों किया था ये तो बताया ही नहीं। अरे वो क्या हुआ पोपटलाल, रात को मैंने तुम्हारा इतना बढ़िया सपना देखा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे लगा कि तुम्हें अभी कभी बताना ही पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्या सपना देखा था? मैंने सपने में देखा कि तुम्हारी शादी एक अति सही सुंदर लड़की के साथ हो गई है, और तुम दोनों हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हो, और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी तुमको एयरपोर्ट छोड़ने आई है। तुम अच्छे, भगवान करे जल्द ही तुम्हारा सपना हकीकत में बदल जाए।
अरे तुम लोग क्या सपना सपना कर रहे हो, जरा हकीकत में आओ। और हकीकत ये है कि मेरा सकरम गायब हो चुका है, उसके बारे में सोचो ना। एक बुरा मत मानना, लेकिन अब तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी बनने के लायक नहीं रहा। क्या क्यों? अरे क्या क्यों, जिसे तू अपना बेटा मानता है तो उसका ध्यान नहीं रख पाया तो गोकुलधाम सोसाइटी का ध्यान क्या रखेगा? क्या कुछ भी बोले जा रहे हो पोपटलाल। अरे वाह वाह पोपटलाल, ऐसे ही चर्चा करते रहो और दो बजा दो। अरे हाँ भिड़े, तू तो बोल रहा था कि कल रात पूरी रात जाग कर तू सखाराम पर नजर रखने वाला था। सखाराम पे नजर रखूंगा ऐसे नारे लगा रहा था, पर तू रात पर जागा फिर भी सखाराम गायब हो गया। अरे नहीं जाग पाया भाई। तो तू नहीं जाग पाया तो वो तेरी गलती है भाई। हाँ भाई गलती हो गई, मैं सो गया और ये सब उस गेंदा चाप हेलीकॉप्टर आयुर्वेदिक तेल की वजह से हुआ है। अरे ये गेंदा छाप तेल की बात कहाँ निकली, अभी फिर से फंसेंगे। आ गई नई मुसीबत भाई, हम गोकुलधाम निवासियों की किस्मत भी कमाल की। आप लोगों ने बचपन में कभी लुका छिपी का खेल खेला? खेला ही होगा। लेकिन इस वक्त हम गोकुलधाम निवासी मुसीबत के साथ लुका छिपी का खेल खेलते हैं। एक मुसीबत को ढूंढ के निकालते हैं, उसको हल करते हैं कि दूसरी छिपी हुई मुसीबत अचानक सामने आ जाती है। अब देखिए ना, अच्छा भला चल रहा था कि अचानक ही गेंदा छाप हेलीकॉप्टर तेल की बात निकल पड़ी। भाई बात निकली तब तक तो ठीक था, उस तेल को बेचने वाला सेल्समैन भी आ गया यहाँ पे। अब जल्दी इस दरवाजे पे दस्तक देगा, सेल्समैन आएगा और सेल्समैन अपने साथ बहुत बड़ी मुसीबत लेके आएगा, क्योंकि सेल्समैन बता देगा कि ये तेल टप्पू ने खरीदा था। और जैसे ही भिड़े को पता चलेगा कि टप्पू ने तेल खरीदा था, भिड़े समझ जाएगा कि तेल टप्पू ने इसलिए खरीदा था ताकि वो माधवी भाभी को इसे दे दे और भिड़े सो जाए ताकि टप्पू स्कूटर ले जाए। अब क्या होगा, सोच सोच के पसीना आ रहे हैं मुझे दोस्तों, क्योंकि अब टप्पू होगा भिड़े के सामने। भिड़े बुलाएगा टप्पू को और जब दोनों होंगे आमने सामने तब क्या होगा, एक तरफ भिड़े के सवाल टप्पू के जवाब, भिड़े का गुस्सा टप्पू का डर, भिड़े का शक टप्पू की चतुराई। अब देखना यह है कि इन दोनों में विजेता कौन होता है। लेकिन इतना जरूर तय है दोस्तों, जो भी विजेता होगा आपके घरों में ठाक गूंजेंगे। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.